हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एडुसेशन में। बात करते हैं यूपी टेट एग्जाम न्यू एग्जाम डेट की। तो क्या 26 दिसंबर को होगा यूपी टेट की परीक्षा? यूपी सरकार ने दिया इसका जवाब। तो फ्रेंड्स, ये जो है न्यूज़ वायरल हो रही है कि 26 दिसंबर को जो है यूपी टेट का एग्ज़ाम होगा। तो इसके संबंध में जो है सरकार ने क्या बयान दिया है, देखिए, यूपी सरकार ने उन खबरों का खंडन किया है जिसमें कहा जा रहा है कि यूपी टीईटी परीक्षा नई तिथि का ऐलान कर दिया गया है। कुछ मीडिया संस्थानों में 26 दिसंबर को परीक्षा के आयोजन की खबरें जो है वो प्रसारित होने के बाद जो है यूपी सरकार ने यह स्पष्टीकरण जारी किया है कि यूपी सरकार ने कहा है कि अब भी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट की नई तिथि को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है। गौरव कि पेपर लीक होने के चलते जो है रविवार को यूपी टीईटी का परीक्षा जो है निरस्त की गई थी। तो ये जो है 26 दिसंबर को परीक्षा की तिथि घोषित किए जाने के का जो समाचार जो चल रहा है, तो इस संबंध में सूचनार्थ की यूपी टीईटी की नई परीक्षा तिथि का अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। भ्रामकता की स्थिति ना उत्पन्न हो इसलिए ऐसी खबर ना प्रसारित की जाए। तो फिलहाल जो है यूपी टीईटी का जो एग्ज़ाम है वो 26 दिसंबर की जो खबर वायरल हो रही है, तो ये ऑफिशियल नहीं दी गई है, ये खबर वायरल हो रही है। बट ऐसा हो सकता है 26 को हो जाए क्योंकि दिसंबर में ही एग्ज़ाम होना है। बट ये सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अभी उनके द्वारा जो है कोई भी ये स्पष्टीकरण नहीं किया गया है। ये देखिए, लाइव हिंदुस्तान टीम नई दिल्ली से जो है 29 नवंबर 1:26 PM की एक खबर है कि ऐसा कुछ नहीं है कि जो 26 दिसंबर को एग्ज़ाम होगा। बट एग्ज़ाम दिसंबर में ही होगा, लेकिन ये डेट सरकार की तरफ से जो है क्लियर नहीं की गई है। डेट कोई भी हो सकती है, वो दिसंबर के माह में हो सकती है, 26 भी हो सकती है, और इसके साथ जो है 26 के साथ कोई अदर डेट भी हो सकती है। लेकिन फिलहाल ऐसी कोई भी खबर नहीं है कि 26 दिसंबर को ही एग्ज़ाम होगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे द्वारा जब भी कोई नया वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।